हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं सुबह से, शाम तक का व्लॉग है ये आपके लिए, मेरी पूरी फैमिली के साथ। क्या कर रही हो नीलम दी? डाउनलोड कर रही हो? तो जो लोग भी पूछते थे कि दी आप किस चीज़ से एडिटिंग करते हो, तो उनके लिए ये है फिल्मोरा, वंडर शेयर फिल्मोरा। पीरिया। ये पीरिया कौन है बे? पीरिया हमका एक ग्रीन टी पिलवाए दे। बस दो मिनट। दो मिनट? प्रिया क्या कर रही है? मैं कपड़े भी नहीं। हाँ बेटा, खुशी हो गई? खुशी तेरी खांसी हो रही है? नहीं, अब तो नहीं खांसते। हेलो टू खुशी, अब खांसी हो रही है बेटा? इधर दिखा चेहरा। अरे पापा को नहीं हो रही खुशी? खुशी इधर देखो ना पापा को। सानवी की तबीयत कैसी है अब? सानवी, तुमको कल कोई गंदा ड्रीम आया था क्या? रात को तुम बहुत जोर से चिल्लाई माँ। हाँ बहुत जोर से चिल्लाई। मम्मी रबर बैंड देना। क्यों सानवी ऐसा क्यों? क्या कर रहा है तू? हाँ? चुटिया बना रहा है? नहीं भैया, मैं बाल तोड़ रहा हूँ अपने। अरे साले माफ करना, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। आप आपके खाली समय में क्या करते हैं? शायद वीडियोस देखते हैं, शायद गेम्स खेलते हैं। आपने अक्सर लड़कों को देखा होगा बहुत सारे गेम्स खेलते हुए और गेम्स खेलकर पैसे जीतते हुए, गेम्स लाइक क्रिकेट, पूल। लेकिन अब आप भी एक हाउसवाइफ होते हुए, एक कॉलेज स्टूडेंट होते हुए भी गेम खेलकर पैसे कमा सकते हो। और वो ऐप जिस पर आप गेम्स खेलकर पैसा कमा सकते हो, उस ऐप का नाम है MPL, यानी कि मोबाइल प्रीमियर लीग। तो अब आपको ऐसा सवाल आपके जहन में आ सकता है कि मैं तो क्रिकेट में और पूल वगैरह जैसे गेम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो यही खास बात है कि MPL पे ना सिर्फ क्रिकेट और पूल जैसे गेम्स होते हैं, पर बहुत से ऐसे दूसरे तरह के गेम्स भी होते हैं जो यूजुअली हम लोग खेलते हैं, जैसे कि बबल शूटर, फ्रूट चॉप और रमी। और ये सभी आसान से गेम्स आप खेल सकते हैं रियल कैश विन करने के लिए। तो आप अभी इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, गेम खेलिए और पैसे भी कमाइए। और मैं आपको बताना चाहूँगी, ये ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक रखा है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो वहां जाकर उस लिंक को क्लिक कर सकते हैं और इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे बहुत सारे गेम हैं, तो आई एम श्योर आपको आपकी चॉइस का कोई ना कोई गेम तो मिल ही जाएगा। और बहुत सारे टूर्नामेंट्स भी होते हैं, और टूर्नामेंट होता है तो उसका जो विनिंग राशि है ना, जो कैश प्राइज आप जीतते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो जीते हुए पैसे हैं वो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ प्रोसीजर भी बहुत आसान है। तो अगर आप मोबाइल पर गेम खेलने के शौकीन हैं तो इससे बढ़िया बात आपके लिए क्या हो सकती है। ये एक कम्प्लीट विन विन सिचुएशन है। आप गेम भी खेल रहे हैं, साथ ही साथ पैसे भी कमा रहे हैं। तो गर्ल्स, अब गेम खेलने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बल्कि आप कमा सकते हैं रियल कैश इस ऐप की मदद से। और यहाँ पे तो मुझे वो लाइन याद आ रही है, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, राइट? तो क्या तैयारी हो रही है नीलम? मैं टोस्ट बना रही हूँ, प्रियंका चाय बना रही है, ये होल व्हीट फ्रेंच लूप है। ओके, तो हम कौन सा टोस्ट बना रहे हैं? गार्लिक वाले नहीं बना रही हूँ, चिली टोस्ट। ये बहुत इजी से चिली टोस्ट बनाए हैं मैंने फ्रेंच लोफ के साथ। होल व्हीट ब्रेड है ये, आप चाहें तो किसी भी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो ये सीजनिंग है, ये बनाई है मैंने चिली फ्लेक्स, पिज्ज़ा सीजनिंग, मिक्स्ड हर्ब्स और गार्लिक पाउडर के साथ। और इसमें मैंने बटर की जगह आज इस्तेमाल किया है ऑलिव ऑयल, आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे पता है कुछ ऐसे दिखाओगे।
इसके बाद जो ब्रेड है उसके ऊपर ये मिक्सचर फैला दीजिए और प्री हीटेड ओवन में इन्हें कुछ 10 मिनट के लिए 200 प्लस टेम्परेचर पे बेक कर लीजिए। बिल्कुल सेम रेसिपी तवे पे भी बन सकती है और ये माइक्रोवेव में भी बन सकती है। आपको जब भी कोई रेसिपी माइक्रोवेव में बनानी है उसे कॉन्वेक्शन मोड पे जो है स्विच किया कीजिए अगर आपको बेकिंग करनी है, टेम्परेचर और टाइमिंग्स बराबर रहेंगे। और मैं एक टाइम पर एक ही बैच बेक कर रही हूँ जिससे सबको गर्मा गर्म ब्रेड मिलते रहें। ओवन मेरा प्री हीट हो रहा है 10 मिनट के लिए 220 डिग्री सेल्सियस पे। दोनों रॉड ऑन किए हैं और फैन भी ऑन किया है, ये सेटिंग आप चेक कर लीजिएगा। और ये देखिए ये तैयार हो गया है, एक जो बैच है ये ऑलरेडी ओवन में है, दूसरे को मैंने तैयार करके रख दिया है क्योंकि इसको सिर्फ 8 से 10 मिनट का टाइम लगता है बेक होने के लिए। एक बार ये वाला बैच बेक हो जाएगा तो इसे मैं निकाल लूँगी और जो दूसरा बैच है उसको मैं बेकिंग के लिए रख दूँगी। ये एक बहुत ईजी तरीका है सबको गर्मा गर्म जो ब्रेड है वो सर्व करने का, बहुत मस्त लगती है ये वाली ब्रेड, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं और रेसिपी तो आपने देखा ही, कितनी जल्दी भी बन जाती है और कितनी आसान भी है। थोड़ा सा नमक चाहिए, नमक। ओके क्या डाल रहे हो मम्मी? ये छोले मसाला बॉइलिंग में ही। बॉइलिंग में ओके। और थोड़ा सा डाल नमक। ओके जैसे जैसे खुशबू सारे में आ जाएगी। ओके छोले और कलर भी आएगा, कलर भी आ जाएगा इसमें। ओके तो आज मम्मी बना रहे हैं छोले भटूरे, उनके छोले भटूरे बहुत फेमस है इसलिए मैं भी सीखना चाह रही थी और हम लोग खाना भी चाह रहे थे। तो मम्मी ने ये भीगे हुए छोलों में छोले मसाला और नमक डाला है और अब इसको सीटी लगाएंगे पूरा गलने तक, है ना? तो यहाँ पे मम्मी लगा रही हैं भटूरे का आटा। तो इसके लिए सबसे पहले थोड़े पानी में इनो डालना है ना मम्मी? इनो पानी में डालिए जिससे सारे आटे पे एक सार आ जाए। खट्टा दही या मट्ठा आपको लेना है इसमें। ओके तो इसमें ये मिलाने से ऐसा मट्ठा जैसा हो जाएगा, है ना? गूंदने में आसानी रहेगी, सब्जी मिल जाएगी, बांटनी पड़ेगी। हाँ और भटूरे वैसे तो मैदा के बनते हैं, आप चाहें तो आटा मिला सकते हैं, पर मम्मी मैदा और आटा दोनों को मिला के बनाने वाली हैं। थोड़ा सा, हाँ 50-50 नहीं, थोड़ा सा आटा है। ओके तो एक चौथाई आटा, एक चौथाई से कम, एक चौथाई से भी कम आटा, मतलब एक पांचवा हिस्सा से। ओके पांचवा हिस्सा, ये 100 किलो में पांच एक। और ये मम्मी ने थोड़ा सा आटा छानने के बाद ये छान रहे हैं मैदा। अभी मैदा को थोड़ा सा छान लीजिए जिससे एक तो उसके अंदर कोई भी तरह की इम्प्योरिटीज़ हैं, गुठलियाँ हैं, वो हट जाए और छानने से ना थोड़ा सा एरेशन हो जाता है आटे का। जब मैंने आटा गूंदना सीखा था ना तो मैं भी ऐसे ही करती थी, पहले आटे के बीच में कुआं बना दिया। हाँ। फिर उसमें फिर पानी डाल डाल के, मैंने सबसे पहले किचन में आटा गूंदना ही सीखा था, मतलब पहले चाय बनाना फिर आटा गूंदना। मम्मी मुझे ही दे देती थी क्योंकि मैं आधे घंटे तक गूंदती थी तो बढ़िया गूंदता था आटा। आटा तो बहुत अच्छा। हाँ अब तो मैं थोड़ा सा
थैंक यू मम्मी। मम्मी तारीफ कर रहे हैं मेरी, अच्छी रोटी बनाती हूँ मैं। गोल रोटी अच्छी नहीं, गोल गोल रोटी कोई नक्शा नहीं, गोल रोटी है। और आपको बताया मम्मी के बालों के सब लोग इतने फैन है, मैं आपको बाल दिखाती हूँ मम्मी के। ओ ये देखिए कितने नहीं अच्छे बाल हैं आपके, सब ऐसे ही बोलते हैं, कितना अच्छा मेंटेन किया आपने। और भटूरे का आटा तो थोड़ा लूज ही लगाते हैं ना, हाँ जितना लचीला हो उतना बढ़िया। और यहाँ पे ये मैदा थोड़ा ज़्यादा था, मम्मी अच्छे से इसको गूंध नहीं पा रहे थे, उनके थोड़ा सा अंगूठे में दिक्कत भी है। थोड़ा बहुत आटा वो आराम से गूंध लेते हैं, पर मैदा गूंदना वैसे भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है और इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा थी, तो उनको तकलीफ़ ना हो इस करके मैंने उनसे ले लिया मैदा और मैंने इसको गूंद के रख दिया। आटा आपको एकदम सॉफ्ट लगाना है और जितना अच्छा आप उसे नीड कर सकें उतना अच्छा आपका भटूरा तैयार होगा। और इसे रेस्ट करने के लिए रख दीजिए कम से कम एक घंटा तो ज़रूर से। इधर आलू बॉयल हो रहे हैं, अभी तेल गर्म होने के बाद उसमें डालेंगे जीरा, साथ डालेंगे थोड़ी सी कुटी सौंफ जिससे सब में मिल जाए, ऐसी खुशबू आती है। बेसन दो चम्मच बेसन भूनना है तेल में, जीरे और सौंफ है तेल में। बाद में यहाँ पे बन रहे हैं मसाले वाले सूखे आलू जो छोले के साथ खाए जाते हैं, मम्मी बेसन वाले आलू बनाते हैं। थोड़ी सी इसमें डालेगी कसूरी मेथी, एक बार बेसन भून जाएगा तो इसमें डालने हैं मसाले, थोड़ा सा लाल मिर्च हाँ जी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी मिर्ची और लाल हल्दी लाल मिर्ची और धनिया का पाउडर, ये हम डाल रहे हैं। इसके अंदर डाल देंगे हम आलू, और ये उबले हुए आलू हैं, इन्हें नमक के साथ मैंने उबाल दिया था। आलू को अच्छे से मसाले के साथ कोट कर लेने के बाद इसमें डालेंगे कसूरी मेथी जिससे ये भुनाई और फिर खुशबू आती है। ये ऐड किया है थोड़ा सा कसूरी मेथी और ये सब मिलाने के बाद आलू थोड़ी देर भूनने हैं। ये मम्मी ने ऐड किया है थोड़ा और धनिया पाउडर इसमें, ये क्या डाला मम्मी, ये खटाई है, थोड़ा आमचूर पाउडर बस, ज़्यादा नहीं डालेंगे इसको, इसका अलग टेस्ट आता है। ये व्रत के आलू में डाल सकते हैं, अच्छा अनारदाना खा सकते हैं, व्रत के आलू में डाल सकते हैं, नवरात्र में डालते हैं। लास्ट में ऐड करेंगे थोड़ा सा अनारदाना, हरी मिर्च अदरक, ये हरी मिर्ची और अदरक और धनिया हमारे पास है नहीं, आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, कसूरी मेथी से रंग आ जाएगा। और ये हमारे गौरव जी आए खुशबू से सूखने के लिए कि सही बनाया नहीं, हाँ खुशबू खींच लाई भैया तुम भैया नहीं सच में पूरे घर में बहुत तेज खुशबू आ रही है इसकी, यम्मी वाली। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, ये वेट नहीं हो रहा कब खाने मिलेगा। गाइस मम्मी को खाना खिलाने का बहुत शौक है, वो इतना स्वाद खाना बनाती हैं और ऊपर से प्यार से खिलाती भी हैं। आप इसे फाइनली गार्निश कर सकते हैं थोड़े हरे धनिए के साथ, और भी सुंदर लगेगी और टेस्ट भी ऐड करता है धनिया, थोड़ा सा बीट रूट डाल सकते हैं, है ना।
उससे और अच्छा कलर आएगा कद्दूकस करके। मम्मी के टिप्स देखिए कितने ज़ोरदार हैं। अगर तेल गर्म हो गया उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा हींग, भूनने के बाद हम डालेंगे जीरा, इसमें दो चार मेथी के दाने डाल सकते हैं। छोले बनाने के लिए कढ़ाई में हमने थोड़ा डाला है तेल, उसके अंदर हींग और जीरा, और ये है प्याज का पेस्ट। तो ये प्याज भून गया है, प्याज में अदरक भी था, तो ये प्याज के साथ है ना अदरक पीस लिया था और ये अभी भून चुका है। और अगर लहसुन खाते हो तो प्याज के साथ लहसुन भी पीस सकते हैं ना, भून सकते हैं। हल्दी मिर्ची और धनिया पाउडर मिलाने के बाद थोड़ा सा आमचूर का पाउडर, अगर छोले जाए उन्हें तो गुले मिले। अच्छा, मम्मी कह रहे हैं कि अगर छोले ज़्यादा उबल गए हैं और आपको डर लग रहा है कि पकाते पकाते घुल जाएंगे तो आप थोड़ा आमचूर का पाउडर डाल दीजिए, फिर वो घुलेंगे नहीं आगे। थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च है, और एक बार मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा तो ये तेल छोड़ने लगेगा, और इसके बाद ऐड करेंगे इसमें पहले से उबले हुए छोले। छोलों को रात भर भिगो दीजिए और उसके बाद सीटी लगा दीजिए। और मैंने आपको दिखाया भी था कि छोले उबालते वक्त इसमें नमक और छोले का मसाला ऐड किया था मम्मी ने। आप चाहें तो छोले काले करने के लिए सूखा आंवला या चाय पत्ती का पानी भी यूज़ कर सकते हो। मसाला भुन गया है तो इसमें ऐड किए हैं हम लोगों ने छोले। छोले का ज़्यादातर पानी जो है वो निकाल लिया है, पानी के साथ मत ऐड कीजिएगा। छोलों को भूनना है बेसिकली मसाले के साथ थोड़ी देर। सीक्रेट मसाला क्या क्या मिलाया मम्मी आपने इसमें? इसमें बड़ी इलायची, लौंग है, काली मिर्च है और जावित्री। ओके, खुशबू और कलर के लिए। इससे छोले को बहुत अच्छा स्वाद तो मिलेगा ही, खुशबू भी और कलर भी आता है ना। इसमें गर्म मसाला डालेंगे, छोलों में ऐड कीजिएगा थोड़ी सी कसूरी मेथी और इसको पका लीजिए 5-7 मिनट के लिए। आपको छोलों की कंसिस्टेंसी कैसी चाहिए ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, और आप उसके साथ क्या खा रहे हैं ना, बेसिकली राइस, भटूरे, पूरी, उससे डिसाइड होता है कि आपको वो कितने थिक या थिन चाहिए, तो आप पानी उस हिसाब से डाल लीजिएगा। छोले ऑलमोस्ट रेडी हैं, आलू तैयार हो चुके हैं, फाइनली मम्मी बना रहे हैं भटूरे। और ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छे बनते हैं, मैं सच कह रही हूँ आपको। मम्मी जिसको भी छोले भटूरे खिलाते हैं ना, वो मम्मी के छोले भटूरे का फ़ैन हो ही जाता है। एक बार ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी से, बहुत ही लेस इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, सारे वही हैं जो घर में आसानी से मिल जाते हैं। और मम्मी की टेक्निक देखिए भटूरे बनाने की, बहुत मतलब ये देखने में चाहे आपको कैसे भी लग रहे हों पर ये खाने में A1 भटूरे थे। और ये देखिए मेरे देवर जी, ही जस्ट कांट रेजिस्ट। मेरे हस्बैंड और मेरे देवर दोनों ही मम्मी के खाने के फ़ैन हैं। फ़ैन तो मैं और प्रियंका भी हैं, लेकिन ये दोनों लोग बचपन से खा रहे हैं, उनको मम्मी के हाथ से ऊपर कहीं का भी खाना नहीं लगता है। दे फाइंड मॉम्स फूड बेस्ट। मेरे लिए भी मम्मी का खाना बेस्ट ही है। थोड़े ही दिन मुझे वो मिलती हैं जब मुझे उनके हाथ का खाना मिले, एंड मैं आपको बता नहीं सकती क्या मज़ेदार एक्सपीरियंस है ये। और एक बात और, जब मम्मी खाना बनाती है ना तो कभी कभी मुझे साल में एक दो बार तभी गर्मा गर्म खाना मिल जाता है। लुक एट हिम, ही इज़ क्रेजी आफ्टर मम कुक्ड फूड। और बस शाम में हम लोग आए थे वडोदरा के वेरी फेमस EME टेम्पल।
पापा ने यानी कि मेरे ससुर जी ने वडोदरा के EME में काफ़ी वक्त बिताया है जब वो ऑन ड्यूटी थे, तो उनकी बहुत सारी मेमोरीज अटैच्ड हैं इन जगहों से, इन चीज़ों से, इसलिए उनका मन था ही आने का। मम्मा थोड़ा थके हुए थे इसलिए वो नहीं आए, और शर्मा जी की ज़रा तबीयत ख़राब थी, फिर उन्हें ऑफिस भी जाना था तो इसलिए वो नहीं आ पाए हमारे साथ, और बच्चे लोग के एग्ज़ाम थे। तो प्लान यही था कि हम सभी आएंगे, पर उन चारों ने मना कर दिया आने के लिए, तो हम चारों चले आए, बिकॉज पापा को भी घूमना था और थोड़ा मोनो प्रियंका को भी नई नई चीज़ें दिखाएं वडोदरा की, तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज सच थिंग्स मेक्स मेमोरीज। और घर लौटते वक्त हम लोग लेकर आए थे चीज़ केक, क्योंकि उसके बाद एक दिन बाद ये सब लोग चले जाने वाले थे, तो थोड़ा हम लोग जैसे हो सके वक्त को और अच्छा बिताने की कोशिश कर रहे थे, सेलिब्रेशन मोड में ही थे हम लोग। नेक्स्ट डे हम लोग मूवी भी गए थे, उसका एक सेपरेट व्लॉग आएगा कल, और कल मैं वीडियो नहीं डाल पाएगा इस बिकॉज मैं बहुत थक गई थी, एक एक करके सब लोग चले गए तो मुझे थोड़ा इमोशनली वीक भी फील हो रहा था, और बैक टू बैक बहुत सारा काम था, मुझे एडिट करने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग तो शूट किया है, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, बट मैं एडिट नहीं कर पाया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और बस इस यमी चीज़ केक के साथ एंड हुआ ये ब्यूटीफुल डे। एंड यस बरोडियंस, अगर आप में से कोई जानना चाहता है ये चीज़ केक कहाँ से लाया, तो ये बास्किन एंड रॉबिन्स का है, बहुत टेस्टी होता है, गोत्री में इनका शॉप है, आप अगर इंटरेस्टेड हैं, आपको चीज़ केक पसंद आता है तो इनसे ट्राई कीजिएगा। मैंने जितने भी चीज़ केक खाए हैं उनमें से ये बेस्ट वाला है, आपको अच्छा लगेगा। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है, रेसिपी तो आप ज़रूर ट्राई करना, मेरी रिकमेंडेशन है। कल मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय बाय।